गुजरात के वडोदरा शहर में बारिश तो 24 घंटों से रुक गई है, उसके बावजूद विश्वामित्री नदी का पानी अलग अलग इलाकों में लगातार भरता जा रहा है। ऐसे इलाकों में भी इस बार विश्वामित्री का पानी भर गया है जो कभी नहीं भरता था, क्योंकि विश्वामित्री नदी ने पिछले 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विश्वामित्री नदी करीबन 37 फीट के आसपास बह रही है, जिसके चलते वडोदरा के ओपी रोड पर भी इस तरह का जलभराव देखने मिल रहा है। मल्हार पॉइंट से लेकर नए जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां इस तरह का जलभराव देखा जा रहा है। यहां नदी लिटरली बहती हुई नजर आ रही है और साफ साफ देखा जा रहा है कि पानी भरता जा रहा है। वैसे राहत की खबर ये है कि आजवा डैम और प्रतापपुरा सरोवर से छोड़े जा रहे पानी को बंद करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में अब यह स्थिति आने वाले 24 घंटों में सुलझ सकती है, लेकिन वडोदरा में हो रहे जलभराव से निजात पाने में शायद वडोदरा शहर को, वडोदरा के लोगों को और नगरपालिका को काफी वक्त लग जाएगा। वडोदरा के ओपी रोड पर उमड़ी लोगों की यह भीड़ उस वक्त की याद ताजा दिला रही है जब भारत वर्ल्ड कप जीता था और लोग सड़कों पर उतर आए थे। आज भी जलभराव के साथ ही लोग पानी देखने के लिए मौके पर उमड़ पड़े हैं और कुछ लोग पानी के साथ सेल्फी लेते हुए और मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। दिन भर वडोदरा शहर की बदहाल स्थिति हमने आपको दिखाई है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां वडोदरा शहर के लोग पानी की स्थिति को मनोरंजन के रूप में भी देख रहे हैं।